गोंड पिपरी मार्ग पर स्थित करंजी नाले पर मौजूद पुल बह गया, जिसके कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। पिछले हफ्ते लगातार हो रही बारिश के चलते गोंड पिपरी तहसील के नदी नाले तालाब पूरी तरह भर गए थे। शनिवार दिनभर और रात के समय लगातार हुई बारिश से आक्सापुर से गोंड पिपरी मार्ग पर स्थित करंजी नाले पर मौजूद आवागमन के लिए बनाया गया पुल बह गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह बाधित हो चुका है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बामनी से नवेगांव गोंड पिपरी इस महामार्ग का इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी वजह से अनेक जगहों पर नालों पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में आक्सापुर से लगभग 3 किलोमीटर के अंतर पर स्थित करंजी गांव के पास से बहने वाले नाले के ऊपर पुल का काम शुरू था, तथा यातायात के लिए एक पर्यायी व्यवस्था के रूप में बगल से एक छोटा सा रास्ता तैयार किया गया था, जहां से वाहनों का यातायात शुरू था। मगर शनिवार को हुई बारिश की वजह से बनाया गया यह रास्ता बह गया और इस रास्ते के ऊपर से भी पानी बहने की वजह से रविवार की सुबह दोनों तरफ की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई और दोनों भी तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तथा पर्यायी रास्ता के रूप में आक्सापुर से पेलूर बोरगांव मार्ग होते हुए गोंड पिपरी आना पड़ रहा है। और ऐसे में आक्सापुर चौक में रोड के किनारे एक बड़ा गड्ढा होने से वहां से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है और वहां वाहन भी फंस गए हैं, और इस पर जिम्मेदार लोगों द्वारा दुर्लक्ष करने पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट।